अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक बलून है जिसकी हाइट इज 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बी डे से अब उसी ग्राउंड पे एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है उसने जब इस बलून की तरफ झांका ऊपर देखा तो वो जो एंगल था वो था 60 डिग्रीज़ का कुछ देर के बाद जो बलून था वो एक डायरेक्शन में उड़ के आगे पहुँच गया तब उसने जब ऊपर देखा तो उसका जो एंगल था विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल्स लाइक जो विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजोंटल एंगल बना सिक्सटी डिग्रीज का तो हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून तो उसके पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जैसे इसमें हमने ए बी माना है हाइट ऑफ द गर्ल दैट इज़ वन पॉइंट टू मीटर्स फिर जो सी डी है ये दैट इज इक्वल टू हाउ मच ए बी ठीक है अब जो सी डी है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे रेक्ट एगल बन रहा है यहाँ पे

उसके बाद अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं ट्राइंगल ए एच ई की या ट्राइंगल ई एच ए में एक एंगल है मेरे पास कौन सा सिक्सटी डिग्रीज़ का तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैंने अप्लाई करना है टैन थीटा का फॉर्मूला सो टैन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन द बेस तो परपेंडिकुलर है ई एच ई एच की लेंथ है 87 सेवन मीटर्स डिवाइडेड बाई ए एच तो ए एच की लेंथ है

तो इट विल बी एफ सी डिवाइडेड बाई ए सी अब जो एफ सी है जो इसकी हाइट है दैट इज़ 87 सेवन मीटर्स तो एफ सी की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दिया हमने 87 सेवन डिवाइडेड बाई ए सी जो ए सी है दैट इज द सम ऑफ ए एच प्लस एच सी तो ए सी की सब जगह पर वी विल सब्सटीट्यूट ए एच प्लस एच सी सब्सटीट्यूट तो कर दिया ए एच प्लस एच सी अब जो ए एच प्लस एच सी है वो निकल करके आएगा अब टेन थर्टी डिग्रीज वन बाय रूट थ्री इसे ले गए हम ऊपर और रूट थ्री को हमने ले गए यहाँ पर एटी सेवन के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सो वी गेट ए एच प्लस एच सी इक्वल्स टू एटी सेवन अंडर रूट ऑफ थ्री अब इक्वेशन वन में हमने ए AH एच की वैल्यू को कैलकुलेट करा था तो ए AH एच की वैल्यू थी एटी सेवन डिवाइडेड बाई रूट थ्री उसे हमने यहाँ पर सिंपली सब्सटीट्यूट करना तो एटी सेवन बाई रूट थ्री प्लस एच सी इक्वल्स टू एटी सेवन रूट थ्री अब जो एच स है लेटेड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो एटी सेवन रूट थ्री है उसको ऑन द राइट हैंड साइड जो बाकी का बचा एटी सेवन रोट थ्री है ले आएंगे अगेन राइट हैंड साइड पर तो एटी सेवन रूट थ्री अब इन दोनों का एल सी एम हो जाता है सिंगल नंबर रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर सो एटी सेवन रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री माइनस एटी सेवन मल्टीप्लाइड विद वन तो एटी सेवन अब रूट थ्री का स्क्वायर इज सिंगल नंबर थ्री माइनस एटी सेवन डिवाइडेड बाई रूट थ्री अब इन दोनों टर्म्स में से हमने एटी सेवन बाहर निकाला थ्री माइनस वन रूट ऑफ थ्री सो एटन मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस वन इज टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज सो रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री और ऊपर भी आ जाएगा रूट थ्री तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता है सिंगल नंबर थ्री ऊपर आ गया रूट थ्री थ्री वन सा थ्री थ्री टू सिक्स बचे टू कैरी कर दिया तो थ्री नाइन जी ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी नाइन टू ज़ा फिफ्टी एट सो दैट इज फिफ्टी एट रूट थ्री तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एच सी की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी फिफ्टी एट रूट थ्री मीटर्स तो जो एच सी है अगर अपन इस ट्राइंगल की बात करें ई एफ एच सी ई एफ सी एच की Uh, तो उसके अंदर जो ई एफ है वो इक्वल हो जाएगा एच सी के तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाई द बलून दैट विल भी इक्वल टू एच सी और एच सी हमारा भी कैलकुलेट हुआ था कितना फिफ्टी एट अंडर रूट थ्री मीटर्स